हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और आज हम बात करने वाले हैं 10 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के, 10 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो जो कुछ भी कल के डे में घटा और उसमें से जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्ट, अगर आप लोगों ने नया टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाके सर्च भी कर सकते हैं @AMANTRIVEDII। डबल आई अगर एंड में आप लगा देंगे, एक बार आई आप वैसे भी लगाते थे, एक एक्स्ट्रा आई लगा देंगे तो आपको मैं टेलीग्राम पे मिल जाऊंगा और साथ ही साथ में इस यूजर नेम के साथ में इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और आज की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि ऑन विच डेट नेशनल लीगल सर्विसेज डे इज ऑब्जर्व, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 6, 7, 8 या फिर 9 नवंबर? तो जवाब है इसका 9 नवंबर। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है आपका। ठीक है, तो नेशनल लीगल सर्विसेज डे जो है 9 नवंबर को मनाया जाता है और बाकी सारी ऑल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के द्वारा मनाया जाता है 1987 में। और इस दिन लोगों को अवेयर किया जाता है लीगल चीज़ों के बारे में, इन कानूनी चीज़ों के बारे में। ठीक है, चलिए बाकी हम लोगों ने वर्ल्ड अर्बनिज्म डे, वर्ल्ड कैंसर डे, रेडियोलॉजी डे, ये हमने कल के वीडियो में पढ़ लिए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगी टूर्नामेंट युगल खिताब किसने जीता है, वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट डबल्स का टाइटल किसने जीता है? तो ऑप्शंस हैं मनिका बत्रा, अर्चना गिरीश कामत, मेलेना डियाज या फिर एड्रियाना डियाज। तो जवाब है इसका मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत, इन दोनों लोगों ने ये जीता है क्योंकि डुअल था। तो डुअल में मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत ने ये खिताब जीता है। मनिका बत्रा और अर्चना कामत ने जीता WTT कंटेंडर डबल टेबल टेनिस टूर्नामेंट। टेबल टेनिस में भारतीय जोड़ी मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत ने स्लोवेनिया के लास्को में WTT कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला युगल खिताब जीता है। भारतीय जोड़ी ने मेलानी डियाज और एड्रियाना डियाज की प्यूर्टो रिकान टीम को 11-3, 11-8, 12-10 से हराकर यह खिताब जीता है। इस बीच चीन की वांग यिदी ने उन्हें 2-4 से हराकर मनिका बत्रा ने महिला एकल खिताब में कांस्य पदक भी जीता। तो सिंगल्स में मनिका बत्रा ने ब्रॉन्ज जीता है और डबल्स में मनिका बत्रा और अर्चना कामत ने आपका गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, यानी कि उन्होंने ये यहाँ पे खिताब अच्छे से जीता है पूरे तरीके से। ओके, इसके अलावा स्पोर्ट्स से ही दूसरा करंट अफेयर्स था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि भारत की तेजामुल इस्लाम जो कश्मीर से हैं, इन्होंने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो विश्व किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में भारत की तेजामुल इस्लाम ने गोल्ड मेडल जीता है। 13 वर्ष की तेजामुल इस्लाम भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली कश्मीरी लड़की हैं और मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 आयु वर्ग में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। फाइनल में इस्लाम ने अर्जेंटीना की ललीना को हराया। उनका जन्म उत्तरी कश्मीर के बंदीपोरा जिले के एक सुदूर गांव तारकपोरा में हुआ था। तजामुल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये कश्मीर से। अगला है, हु इज़ द ऑथर ऑफ एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी? तो एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी के लेखक कौन है, शंकराचार्य, दमन गैलगुट, भास्कर चट्टोपाध्याय या प्रदीप मैगजीन? तो हमने कल के वीडियो में पढ़ा था आपके दमन गैलगुट जो हैं बुकर प्राइज विजेता हैं, साउथ अफ्रीका से हैं और इन्हें बुकर प्राइज मिला है। भास्कर चट्टोपाध्याय की कल हमने किताब पढ़ी थी, सिनेमा ऑफ सतीश सत्यजीत रे थी, और प्रदीप मैगजीन की थी नॉट जस्ट क्रिकेट। तो इन तीनों लोगों ने इन किताबों को लिखा है। शंकराचार्य की ये किताब आई है एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी। ठीक है, द प्रॉमिस के लिए दमन गैलगुट को बुकर प्राइज मिला है। तो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार डॉक्टर शंकराचार्य ने एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी नामक एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक में सबसे कुशल नीति अर्थशास्त्री डॉक्टर शंकराचार्य के पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को इन्होंने दिखाया है। ठीक है, अगला है, PTC इंडिया का CMD किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड PTC इंडिया CMD? राजीव कुमार मिश्र, दीपक अमिताभ, CS वेंकट कृष्णन, कॉमोडोर PK गर्ग। तो यहाँ पर जो है आपका दीपक अमिताभ जो हैं वो पुराने CMD थे, इनको रिप्लेस करके राजीव कुमार मिश्र बने हैं। CS वेंकट कृष्ण बारक्लेस के CEO नियुक्त किए गए हैं, भारतीय मूल के पहली बार। और कॉमोडोर PK गर्ग जो हैं वो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे, ये भी हमने अक्टूबर में पढ़ा था। तो राजीव कुमार मिश्र को PTC
इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन CMD नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार मिश्रा जो है पावर ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाएंगे पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के, PTC इंडिया लिमिटेड जो कि पहले पावर कॉरपोरेशन ऑफ पावर ट्रेडिंग एंड कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड के चेयरमैन, जो पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पहले इसका नाम था, अभी PTC इंडिया नाम हो गया है, इसके चेयरमैन नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है चलिए, और PTC इंडिया को 1999 में बनाया गया था। किस राज्य ने पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स जिले के गठन को मंजूरी दे दी है? मेघालय, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो जवाब है इसका मेघालय, जिसकी राजधानी है शिलोंग, CM है कॉनराड सांगमा और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। असम की राजधानी है दिसपुर, CM है हेमंत बिश्व शर्मा एंड गवर्नर है जगदीश मुख। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, CM है बिप्लब देव कुमार, गवर्नर है श्री सत्यदेव नारायण आर्या। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, CM है पेमा खांडू और गवर्नर है BD मिश्रा। तो मेघालय के पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स जिले के नाम से एक नए जिले के निर्माण को मंजूरी मिली है। मेघालय के मंत्रिमंडल ने पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स जिले नामक एक नए जिले के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक नए जिले का गठन मैरांग सिविल अनुमंडल का उन्नयन कर किया गया है। जब अब मैरांग पश्चिम खासी हिल्स जिले के अंतर्गत एक सब डिवीजन होगा। नए जिले का उद्घाटन 10 नवंबर 2021 को मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा द्वारा किया जाएगा। इससे राज्य में कुल जिलों की संख्या 12 हो जाएगी। ठीक है, अगला है 2021 के मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वेस्टापेन, सर्जियो पेरेज, लुइस हैमिल्टन या फिर वाल्टेरी बोटास, इनमें से किसने 2021 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो जवाब है इसका मैक्स वेस्टापेन। ठीक है, मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स जो है वो मैक्स वेस्टापेन ने जीता है, रेडबुल के लिए खेलते हैं, नेदरलैंड से हैं, इन्होंने 2021 का मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। 7 के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के लिए खेलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन से हैं, ये दूसरे स्थान पर रहे, जबकि सर्जियो पेरेज जो कि मैक्सिको से हैं और रेडबुल के लिए खेलते हैं तीसरे स्थान पर रहे। पेरेज एक जुब्लियंट ऑटो ड्रामा हार्मोनोस रोड्रिगेज में अपने घरेलू पोडियम पर खड़े होने वाले पहले मैक्सिकन बन गए हैं। ठीक है, बाकी हम पुरानी जो भी हमारी हाल फिलहाल में हुई हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो बहरीन फॉर F1 ग्रैंड प्रिक्स जो है उसके विजेता हैं लुइस हैमिल्टन, एमिलार रोमनागा F1 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं मैक्स वर्स्टापेन, पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं लुइस हैमिल्टन, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं लुइस हैमिल्टन, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं मैक्स वर्स्टापेन, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं सर्जियो पेरेज, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं मैक्स वर्स्टापेन, स्टायरीन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं मैक्स वर्स्टापेन, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं मैक्स वर्स्टापेन, ब्रिटिश के हैं लुइस हैमिल्टन, हंगेरियन के हैं एस्टेबान ओकॉन और बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है मैक्स वेस्टापेन, डच ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टापेन, इटालियन डैनियल रिकार्डो, रशियन के हैं लुइस हैमिल्टन और तुर्किश के हैं वाल्टेरी बोटास। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो मैक्स वेस्टापेन ने इस साल काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड प्रिक्स जीती हैं। इसके अलावा ब्रिक वर्क रेटिंग एजेंसी है प्रोजेक्ट्स ने भारत की GDP को 10-10.5% रखने का अनुमान लगाया है फाइनेंशियल 2022 में। डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ब्रिकवर्क रेटिंग्स ने एस्टिमेट किया है कि जो भारत की GDP है वो 10-10.5% रहने वाली है करंट फाइनेंशियल ईयर में। अर्लियर दिस वाज एस्टिमेटेड एट 9%। ब्रिकवर्क रेटिंग इज अ सेबी रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सेबी में इसका रजिस्ट्रेशन है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसका GDP ग्रोथ जो क्वार्टर टू का है फाइनेंशियल 2022 का वो 8.3% है ऑन द बैक ऑफ 7.4% कॉन्ट्रैक्शन इन क्वार्टर टू फाइनेंशियल 21। तो फाइनेंशियल 21 में 7.4 का कॉन्ट्रैक्शन देखा गया था। द कंट्रीज GDP ग्रू एट 20.1% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल 2022। चाइना ने दुनिया की पहली अर्थ साइंस सैटेलाइट जिसका नाम है ग्वांगमू नाम से सैटेलाइट लॉन्च कर दी है। ठीक है, ग्वांगमू नामक पृथ्वी विज्ञान पहली अर्थ साइंस सैटेलाइट पहली इन्होंने लॉन्च की है। चीन ने उत्तरी शांसी प्रांत के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू या SDGSAT-1 अंतरिक्ष में लॉन्च किया। उपग्रह को चीनी विज्ञान अकादमी द्वारा लॉन्च किया गया था और सतत विकास के लिए बिग डेटा के अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था। ग्वांगमू को लॉन्च मार्ग 6 वाहक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था जो कि 395वां उड़ान मिशन है और SDGSAT सतत विकास के लिए UN 2030 एजेंडा के अनुसार अनुकूलित पहला उपग्रह है जिसे शांति और समृद्धि के लिए 17 SDG के साथ 2015 में अपनाया गया था। इसकी राजधानी है चीन की बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनबी और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। 14वां एडिशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है वो बिपिन रावत ने इनॉग्रेट किया करने वाले हैं।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैकिंग और साइबर सुरक्षा ब्रीफिंग कोकोन के 14वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे जो कि 10 से 13 नवंबर तक होगा। इसमें वो साइबर सिक्योरिटी पे बात करेंगे। तो इस साल कोकोन विषय इम्प्रोवाइज अडाप्ट और ओवरकम इसका थीम है। इसके अलावा संकल्प गुप्ता भारत के 71st इंडियन ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। संकल्प गुप्ता 7.6.5 अंक हासिल करके भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और सर्बिया के अरंडजेलोवैक के जीएम आस्क 3 राउंड रॉबिन इवेंट में दूसरे स्थान पर रहे। महाराष्ट्र के इस खिलाड़ी ने टूर्नामेंट के दौरान 2500 एलो रेटिंग का आंकड़ा भी छुआ। जीएम का खिताब हासिल करने के लिए खिलाड़ी को 3 GM मानदंडों को सुरक्षित करना होगा और 2500 एलो पॉइंट्स की लाइव रेटिंग को पार करना होता है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क ने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क 2021 में श्रीनगर को ज्वाइन किया है सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फॉक आर्ट कैटेगरी में। तो श्रीनगर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के कैटेगरी में। श्रीनगर एक मेजर रिकॉग्निशन है आर्ट एंड क्राफ्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए। तो 8 नवंबर 2021 को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया। बिफोर 2019 ओनली 3 सिटीज़ इन इंडिया हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, जिसमें से आपकी जयपुर, वाराणसी और चेन्नई ऑलरेडी हैं। इसमें श्रीनगर भी अब शामिल किया गया है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में। अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की प्रथम महिला कौन है? तो वांग येपिंग, एलेक्सी लोनोव, स्वेटलाना स्वात्सियाकाया या राकेश शर्मा। तो अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की प्रथम महिला है वांग येपिंग। एलेक्सी लोनोव ये रशिया के थे और ये पहले ह्यूमन थे जिन्होंने स्पेस में वॉक किया था। और स्वेटलाना स्वात्सियाकाया ये पहली महिला थी जिन्होंने वुमेन में स्पेस में वॉक किया था और ये भी रशिया से थी। और स्पेस में जाने वाले, अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के प्रथम नागरिक थे राकेश शर्मा। तो वांग येपिंग नाम है एस्ट्रोनॉट वांग येपिंग बिकम्स फर्स्ट चाइनीज वुमेन टू वॉक इन स्पेस। एस्ट्रोनॉट वांग येपिंग जो है चाइना की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने स्पेस में वॉक किया है। ड्यूरिंग हर फर्स्ट एक्स्ट्रा वेहिकुलर ऑपरेशन ऑन सेंजू 13 मिशन, 41-year-old वांग एज अ क्रू मेंबर ऑफ चाइना सेंजू 13 मिशन मूव्ड आउट ऑफ द स्पेस स्टेशन कोर मॉड्यूल कॉल्ड तिन्हाए एंड कैरीड आउट एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटीज फॉर ओवर 6.5 आवर्स अलॉन्ग विद हर कलीग जाई जिंगांग। वांग मार्क द फर्स्ट स्पेस वॉक ऑफ अ वुमेन एस्ट्रोनॉट इन चाइना स्पेस हिस्ट्री। तो चाइना की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने स्पेस में वॉक किया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने एक श्रमिक मित्र नाम से योजना लॉन्च की है। दिल्ली सरकार ने 9 नवंबर 2021 को दिल्ली में सभी निर्माण श्रमिकों को सूचित करने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है। श्रमिक मित्र योजना दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की उपस्थिति में शुरू की गई, जिन्होंने कहा कि यह योजना श्रमिक मित्रों के माध्यम से श्रमिकों के बीच कई सरकारी योजनाओं के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करेगी। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने यह योजना लॉन्च की है। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी ग्रेट डे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए।